हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमने 35 नंबर तक क्वेश्चन को हल कर लिया था मिथ, आज उसी के आगे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी एडगर डेगा, ठीक है। चलिए मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, नव प्रभावाद का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना, जो नव प्रभावाद का संस्थापक था उसका नाम क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जॉर्ज सोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, नव प्रभावाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया। तो आपको बताना, जो नव प्रभावाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जॉर्ज सोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। तो आपको बताना, जो सर्कस है वो किसके द्वारा बनाई गई कृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जॉर्ज सोरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर बिंदुवादी कलाकार कौन था। तो आपको बताना, जो बिंदुवादी कलाकार थे निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए मैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो आपको बताना, जो बिंदु चित्रण पद्धति है उसको आरंभ किसने किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी जॉर्ज सोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पाल गागिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, चित्र तीन ताहितीवासी के चित्रकार कौन है। तो आपको बताना, ये जो तीन ताहितीवासी के चित्रकार हैं उनका क्या नाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पाल गागिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था। तो आपको बताना, जो ताहितियन है उसको किसने पेंट किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाल गागिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था। तो आपको बताना, जो ताहिती द्वीप है वो किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पाल गागिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, मैटर नीटी चित्र किसने तैयार किया। तो आपको बताना, जो मैटर नीटी चित्र है उसको किसने तैयार किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाल गागिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है। तो आपको बताना, जो सूरजमुखी के फूल है वो किसकी कृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी वान गॉग, ठीक है। देखिए मित्र, यहाँ पे आप लोगों को जो है क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग जब हम बोल रहे हैं तो उसको सुन के एडजस्ट कर लीजिएगा मित्र, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में थोड़ा धुंधला आया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, वान गॉग का प्रसिद्ध चित्र है। तो आपको बताना है, वान गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सनफ्लावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वान गॉग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, वान गॉग का पूरा नाम था। तो आपको बताना, वान गॉग का पूरा नाम क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विसेंट वान गॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, डॉक्टर गैजेट का चित्र जो है किसने चित्रित किया।
तो जो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वॉनगॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है। तो आपको जो द स्टोरी नाइट का चित्रकार है वो कौन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी विंसेंट वॉन गॉग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार की जीवनी कहानी है। तो आपको बताना जो लस्ट ऑफ लाइफ है, तो मित्र आपको बताना है जो लस्ट फॉर लाइफ है वो किस कलाकार के जीवन की कहानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वॉन गॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं, नीचे दिए गए समूहों में से एक चयन कीजिए जिसे उत्तर प्रभावादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सेजान वॉन गॉग पॉल गॉगिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो आपको बताना जो पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वॉन गॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, पाल सजान की किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना जो पाल सजान है वो किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी उत्तर प्रभाववाद, ठीक है। चलिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया। तो आपको बताना जो ताश के खिलाड़ी नामक चित्र है वो उसको किसने चित्रित किया। जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सेजान, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पॉल सेजान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, स्नानार्थी युवतियां के चित्रकार है। तो आपको बताना जो स्नानार्थी युवतियां हैं उसके चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सेजान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं तो क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है। तो आपको बताना जो स्नानार्थी है वो किसकी कलाकृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सेजान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, उत्तर प्रभाववाद में प्रथम चित्रकार कौन था। तो आपको बताना उत्तर प्रभाववाद में प्रथम चित्रकार कौन था। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पाल सेजान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। तो आपको बताना निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पियर बोनार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 का है, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक तैल चित्रकृति किसके संबंधित है। तो आपको बताना जो ये बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक तैल चित्रकृति है वो किससे संबंध रखती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पाल सेजान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का है, अमूर्त प्रभाववादी कलाकार का नाम है। तो आपको बताना जो अमूर्त प्रभाववादी कलाकार है उनका क्या नाम है निम्नलिखित में। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाल कांडिंस्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, जॉर्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया। तो आपको बताना जो जॉर्ज सोरा थे उन्होंने किस तकनीक का आविष्कार किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी रीतिवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, प्रसिद्ध चित्रकारी ब्लू डांसर बनाई गई। तो आपको बताना जो ब्लू डांसर है वो किसके द्वारा बनाई गई। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी एडगर डेगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, जॉर्ज सुरेट की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषताएं हैं। तो आपको बताना जो जॉर्ज सुरेट की चित्रकला है उनकी तकनीक और शैली की विशेषताएं क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पॉइंटिलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है,
पीला मसीहा कलाकारी है, तो आप कहना जो पीला मसीहा कलाकारी है वो किसकी है, तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पाल गागिन। ठीक है, तो आपको बताना जो गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार है वो कौन थे, तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अगस्त रोडिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयुक्त किया गया है, तो आपको बताना जो वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ है वो किस माध्यम में बनाया गया है या तो फिर उसमें किस तकनीक का प्रयुक्त किया गया फ्रेंड, तो जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हैचिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है बलेरिना अथवा लिटिल डांसर ऑफ कोर्टिन ईयर जो कि 1880 में मूल रूप से मोम में गढ़ी गई मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको बताना जो बलेरिना अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर है वो किसके द्वारा बनाई गई मूर्ति है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 का है, वह अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर जिन्होंने अपना ज्यादातर वयस्क जीवन फ्रांस में बिताया जहां उनकी दोस्ती एडगर देगास हुई और बाद में संस्कारवादियों से जुड़ गई, तो जो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मेरी स्टीवेनस कैसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है द वोटिंग पार्टी आयल ऑन कैनवास चित्र किसका है, तो आपको बताना जो द वोटिंग पार्टी है वो आयल ऑन कैनवास पर किसका है, तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मेरी कसाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है, तो आपको बताना है जो निम्नलिखित में से कौन से कला इतिहासकार हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एच हार्वर्ड अर्नासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है आधुनिक कला के जन्म को चिन्हित करने वाली सबसे निकटतम तिथि है, तो आपको बताना आधुनिक कला के जन्म को चिन्हित करने वाली सबसे निकटतम तिथि कौन सी है, तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1863 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है सोसाइटी इनोयमे कारपरेंटिव डेस आर्टिस्ट पेंटर्स स्कल्पचर प्रेवर्स चित्रकारों मूर्तिकारों और उकेरकों का एक संघ का गठन किया गया, तो जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रभाववादी कलाकारों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का है बेलेली फैमिली जो कि 1858 से 67 किसके द्वारा निर्मित चित्र है, तो आपको बताना जो बेलेली फैमिली चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र, बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है दो कलाकारों का समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें, तो आपको दो कलाकारों के समुदाय की पहचान करनी है निम्नलिखित सूची के अनुसार, तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी विसेंट वॉन गॉग और पाल गॉग। ठीक है, यानी विसेंट वॉन गॉग और पाल गोगा। ठीक है मित्र, यहाँ पे हम लोगों ने 78 नंबर तक क्वेश्चन को हल किया फ्रेंड, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मित्र, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।